सो येलो पेजेस वाला असाइनमेंट आपने ओपन किया और मैंने स्ट्रापी भी लॉन्च कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, सो स्ट्रापी में आपको लॉन्च करके बताता हूँ। स्ट्रापी भी यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ पर मैं स्ट्रापी आपको लॉन्च करके बताता हूँ। नहीं होगा, वो नहीं चल रहा है, लैपटॉप में प्रॉब्लम है, नहीं तो कब का ही कनेक्ट करके चला देता मैं। फ्लैश एडमिन। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर स्ट्रापी के अंदर एक कंटेंट टाइप, आप एक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं जिस फील्ड को हम बोलते हैं। अभी तक आपने टेक्स्ट देख लिया, ईमेल, ईमेल फील्ड लिया आपने, कि कभी भी किसी चीज के लिए आपको ईमेल लेना है तो ईमेल फील्ड लेना है ना, पासवर्ड के लिए पासवर्ड फील्ड लेना है ना, इन्यूमरेशन को आपने ले लिया है, इनम टाइप, इनम नंबर्स में भी ले लिया, मिनिमम नंबर, स्टार रेटिंग, डेट भी आपने, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ लेना है तो उसमें डेट लेना, किसी के फोटो तो अपलोड करने है तो मीडिया लेना, बुलियन में, फ्लैग बिट में, मतलब आपने ये सारे ही यूज कर लिए हैं। जेसॉन अभी तक नहीं देखा है, रिलेशंस देख लिया है, यूयूआईडी नहीं देखा है, कॉम्पोनेंट्स अभी तक नहीं देखा है, डायनेमिक जोन नहीं देखा है। तो आज हम बात करेंगे यूयूआईडी और कॉम्पोनेंट्स पर कैसे लेना है। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं पहले ये चीज देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं स्ट्रापी डॉट आईओ पे गया और गिटहब गिटहब स्ट्रापी पर मैं गया। ठीक है, सो यहाँ पर ही इसके पहले ही इंडेक्स पे यहाँ पर इसके रेस्टोरेंट सेक्शन में मैंने जाके देखा कि देखो इन्होंने क्या यूज कर रखा है, कंपोनेंट यूज कर रखा है और रेस्टोरेंट के अंदर एक कंपोनेंट यूज कर रखा है। तो उसमें फिर मैंने जाके देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर स्टार्ट टाइम होता है, मान लो टाइमिंग्स होती है ना, हॉस्पिटल्स की भी टाइमिंग होती है कि मंडे से सैटरडे तक इस टाइम से इस टाइम तक मिलेगा और मंडे से ये मिलेगा। तो ऐसे कुछ आपको अगर टाइमिंग्स देनी हो तो आप ये यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं डॉक्टर्स का बताऊं तो यहाँ पर शिकागो में गया और यहाँ पर मैं डॉक्टर्स में गया, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स, तो उनका एक टाइमिंग होता है, बेसिकली जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको देखने के लिए एक टाइमिंग होता है उनका। डेंटिस्ट यहाँ पर देख लिया मैंने, जो भी है यहाँ पर मैं गया, इनके वर्किंग आवर्स के टाइमिंग होते हैं। कहाँ पर है वर्किंग आवर्स, ये वर्किंग आवर्स दे ही नहीं रखा है ना। मैं और जाता हूँ, कोई सा भी आप देख लीजिए जिसमें वर्किंग आवर्स आपको मिल जाएंगे, ये रहे मंडे टू ट्यूसडे 9 AM से 12 PM, थर्सडे टू सैटरडे 9 AM से 12 PM, ये किसमें आ रहा है, ये वेटेरियन में भी आ रहा है ना, और यही में जो है ये अलग अलग इसमें भी आएगा। तो जो टाइमिंग्स होती हैं, जो रिपीटेबल कंटेंट है, ये रिपीटेबल है, ये रिपीट है, ये रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, ऐसे ऐसे रिपीटेबल कंटेंट्स में आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गया और मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल्स में मैं गया है ना, हॉस्पिटल्स में जो भी हॉस्पिटल है उस पर मैं गया और वर्किंग आवर्स देखो इसमें है ही नहीं। तो हो सकता है किसी में वर्किंग आवर्स दे रखे हैं, जैसे ये दे रखे हैं कि मंडे टू फ्राइडे, ये तो इसको हम बोल सकते हैं रेगुलर आवर्स, वर्किंग आवर्स, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये लेबल हो गया, ये हमारा स्टार्ट टाइम हो गया, ये हमारा एंड टाइम हो गया। तो कभी हमें ऐसे टाइमिंग्स भी हमें करना है तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, बेसिकली कंपोनेंट्स ले सकते हैं, रिपीटेबल कंपोनेंट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रेगुलर आवर्स। तो हमारे इसमें क्या आपने डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स कुछ आपने क्रिएट कर रखा है, यस क्रिएट कर रखा है, तो डॉक्टर्स का यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। कंपोनेंट्स में जाऊंगा और इस कंपोनेंट को मैंने नाम दे दिया क्या, रेगुलर आवर्स। ठीक है, इसमें कुछ भी आप एक आइकन वाइकन चूज कर लेना, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपकी, लेबल यहाँ पर मैंने ले लिया, कन्फिगर दिस कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर रिपीटेबल कॉम्पोनेंट लिया है ना, तो रिपीटेबल करना है क्योंकि यहाँ पर देखिएगा किसी के अंदर ये देखो रिपीट हो रहा है मंडे टू ट्यूसडे, फिर रिपीट हो रहा है थर्सडे टू सैटरडे है ना, और हो सकता है ऐसे रिपीटेबल कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको रिपीटेबल कंपोनेंट्स करना है ना। तो रिपीटेबल कंपोनेंट्स लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया, यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल लेबल, है ना। और यहाँ से मैंने इसको किया फील्ड। तो फील्ड में सबसे पहली फील्ड हमें क्या लेनी है, हमें लेनी है लेबल। लेबल लेबल क्या होगा वो कि हमारे लिए कंपलसरी है, रिक्वायर्ड एड अनदर फील्ड। उसके बाद हमें क्या लेना है, स्टार्ट टाइम, और फिर लेना है एंड टाइम। तो मैं यहाँ पर गया, डेट लिया मैंने, और इसको बोला मैंने क्या, स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम। स्टार्ट टाइम को स्टोर करने के लिए डेट लेना है, डेट टाइम लेना है, या ओनली टाइम लेना है, ओनली टाइम लेना है। उसके बाद फिर से मैं डेट में गया, यहाँ से मैं गया किसमें, एंड टाइम में गया, और यहाँ से मैंने क्या लिया, टाइम लिया, और मैंने फिनिश करवा दिया, है ना। हो सकता है कंपलसरी भी आप ले सकते हो, यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया। देखो मेरा लेबल आ गया, स्टार्ट टाइम आ गया, एंड टाइम आ गया, और इस लेबल को मुझे क्या नाम देना था एक्चुअल में, इसको वर्किंग आवर्स। इस लेबल को क्या नाम देना था, वर्किंग आवर्स। ये स्पेस दे दिया, फिनिश किया, स्पेस नहीं ले रहा है, तो इसको मैं यहाँ से ये वर्किंग आवर्स किया, फिनिश किया। तो देखो वर्किंग आवर्स हो गया, लेबल हो गया, सेव किया किसमें, डॉक्टर्स के केस में। तो अब मान लेते हैं कोई डॉक्टर है जो जिसका टाइमिंग क्या है, मंडे टू ट्यूजडे, ये उसका लेबल है। तो मंडे टू ट्यूजडे अपन उसको इसमें यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं कंटेंट मैनेजर में जाऊँगा, डॉक्टर्स में जाऊँगा, स्टार्ट न्यू एंट्री, डॉक्टर का नाम डॉक्टर अभिषेक, और यहाँ पर रिपीटेबल कंटेंट में यहाँ पर हमने कर दिया, लेबल में क्या दे दिया मैंने, मंडे टू ट्यूसडे, स्टार्टिंग टाइम इनका क्या है, जो भी है 9 AM to 12 PM। सो 9 AM इनका स्टार्टिंग टाइम। इसमें जो टाइम है ना 24 घंटे के फॉर्मेट में चलता है, किस फॉर्मेट में चलता है, 24 घंटे के फॉर्मेट। अगर शाम को 8 बजे का है, 8 PM है, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 20। 24 घंटे में शाम का 8 बजे कितना होता है, 20 होता है, तो वो वैसे आपको करना है। तो यहां पर अभी के हिसाब से क्या हुआ है कि सुबह 9 बजे से लेके शाम को 12 बजे तक, तो सुबह 9 बजे से लेके, तो यहां पर मैं फटाफट 9 की रेंज में जाऊंगा। ये रहा सुबह की 9 बजे की रेंज, ये, और लास्ट में कहां से कहां तक है, 12 PM। तो 12 PM, तो 9 बजे से लेके 12 PM, तो 12 PM यहां पर मैं 12 PM पे चले जाऊंगा। तो 12 PM ये हमारा 12 PM, ये 12 PM, तो 9 से 12 PM, ये कब से कब तक का है, मंडे ट्यू ट्यूसडे। अब इसमें डुप्लीकेट एंट्री फिर से मैंने कर ली, तो ये क्या है, रिपीटेबल कंटेंट हो गया। तो यहां से फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, ये मैंने एक्सपांड किया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए थर्सडे टू सैटरडे। बाकी टाइमिंग वही है, बट फिर भी मान के चलते हैं कि इसमें भी टाइमिंग 9 से क्या है, 9 से दोपहर 2 बजे का है, मान लेते हैं 9 से दोपहर 2 बजे का टाइमिंग है आपके पास। तो कोई भी टाइमिंग ले लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी टाइमिंग लिया, 9 से दोपहर 2 बजे तक का टाइमिंग यहाँ पर मैंने लिया, कोई सा भी टाइमिंग ले लेते हैं। ये मैंने, ये 3:30 बजे का, ये 1:30 बजे का ले लिया मैंने, है ना। तो ये मेरे 2 स्लॉट हो गए हैं, है ना। और यहाँ पर ये किस सिटी को बिलोंग करता है, नीमच को बिलोंग करता है। सेव किया, पब्लिश किया, ठीक है। मेरे पास डॉक्टर्स आ गए हैं, पोस्टमैन कलेक्शन रेडी करना है। पोस्टमैन में गया मैं यहाँ पर, और ये सारी पब्लिक APIs ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बगैर लॉगिन के अगर डाटा दिख रहा है, तो वो API किस टाइप की होगी, पब्लिक ही होगी, है ना। तो यहाँ पर भी हमें जो है अपने रोल्स में जाना है, पब्लिक वाले में जाना है, डॉक्टर्स के लिए जाना है, डॉक्टर्स में सिलेक्ट ऑल, और फाइंड में आप देख लेना ये फाइंड के लिए कौन सी API है, ये है। मगर आप स्वैगर भी इंस्टॉल कर सकते हो प्रॉपर। सेव किया, यहाँ पर गए और कॉपी किया, यहाँ पर URL ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया डॉक्टर्स, ठीक है ना, डॉक्टर्स डॉक्टर्स। तो अगर मैं पॉपुलेट वाली स्ट्रिंग नहीं दूंगा, तो स्ट्रापी मुझे सारा API दे रहा है, डॉक्टर चोरडिया,
डॉक्टर कमला भायल, डॉक्टर अभिषेक, मगर मुझे रिलेशन वाला डेटा नहीं दे रहा है, चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे किसी भी टाइप का रिलेशन हो, रिलेशनल डेटा नहीं दे रहा है। तो रिलेशनल डेटा चाहिए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क, पॉप्यूलेट इक्वल्स टू स्टार, ये किया। अब देखो इसके वर्किंग आवर्स ब्लैंक, इसके वर्किंग आवर ब्लैंक, ब्लैंक अरे आ रहा है, मगर डॉक्टर अभिषेक के वर्किंग आवर्स क्या आ रहा है, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस का पैटर्न मिल रहा है, तो ये क्या है, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो जिसमें पहले ऑब्जेक्ट में देखो पहला लेबल आ गया, दूसरे ऑब्जेक्ट में दूसरा लेबल आ गया, इससे हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट्स यूज कर सकते हैं। तो कॉम्पोनेंट्स कहाँ यूज कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स में, जब रिपीटेबल कोई चीज हो तो आपको ये एनालिसिस करने पड़ेगी कौन सी जगह पर क्या चीज ले सकते हैं, है ना, वैसे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, वैसे सेटअप आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज लेनी है, बट ये है कि पता होना चाहिए। अब जैसे ये कैटेगरीज, अब ये कैटेगरीज ये क्या है, ये हमारा जो भी है हॉस्पिटल है, जो भी है ये हॉस्पिटल इन इन कैटेगरीज को बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है कि हम यहाँ पर जो है ये कर सकते हैं, ये हॉस्पिटल कैटेगरीज और वो ले सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हम ले सकते हैं, यहाँ यूजर की रेटिंग भी आ रही है, अब यूजर की रेटिंग इस हॉस्पिटल्स के साथ में भी होगी, तो ये भी अपने को देखना है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर स्लग भी है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये स्लग फील्ड ले रखा है, स्लग फील्ड हमेशा एपीआई कॉलिंग में जब हम डेटा भेजते हैं तो स्लग काम में आता है हमें, तो वो स्लग फील्ड भी आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं डॉक्टर्स के केस में स्लग फील्ड बना रहा हूँ, स्लग फील्ड आपको सभी के केस में बनानी है, तो मैं अभी डॉक्टर्स के केस में बना देता हूँ, एड न्यू फील्ड पे गया और यहाँ पर मैंने स्लग फील्ड ले लिया, तो ये जनरली UUID है, मतलब एक यूनिक आईडी जनरेट करना है, UUID लिया और उसको मैंने बोल दिया स्लग फील्ड, और ये स्लग फील्ड मेरे जो भी मेरा नेम होगा उस नेम से वो ले लेगा, और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ऑटोमेटिकली ये रिक्वायर्ड हो गई होगा, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव, यहाँ डॉक्टर्स पे गया, डॉक्टर्स, अब डॉक्टर मैंने लिया डॉक्टर अविनाश, है ना, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इसका स्लग जनरेट हो गया है, यहाँ पर जैसे आप इस पे रिफ्रेश करेंगे ये इसका स्लग जनरेट हो गया, उसके बाद आप इनका वर्किंग आवर्स दे हो तो ठीक है, नहीं तो ये पब्लिश किया, यहाँ पर गए, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको आपने क्या दे दिया था, कंपलसरी दे दिया था वर्किंग आवर्स में, वर्किंग आवर्स में मैं अभी कुछ भी ले लेता हूँ, ये मैंने कुछ भी ले लिया, सेव किया, पब्लिश किया, और आप अपने पोस्टमैन पे हिट करना, डॉक्टर चोड़िया, डॉक्टर कमला भायल, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर अविनाश, डॉक्टर अविनाश का ये आ रहा है, ये स्लग फील्ड भी आ गया है ना, तो URLs में ये स्लग फील्ड भी अपने पास आ गया है ना, और ये किसको बिलोंग करता है, मंसूर को बिलोंग करता है, तो ये हमने यहाँ हिट किया, यहाँ तो डाटा नहीं आ रहा है, मगर उस सिटी वाइज आप पॉपुलेट करवाओगे तो डॉक्टर्स वॉक्टर सबकी लिस्ट आ जाएगी, है ना, कौन सा डॉक्टर किस सिटी में बिलोंग करता है, तो वो डिटेल्स भी आपको APIs के फॉर्मेट में मिल जाएगी, तो आपको करना क्या है, ये सारी API के कलेक्शंस आप रेडी रखो, आज मैंने नया आपको इसका कंटेंट टाइप बिल्डर का नया फील्ड बताया है, जो कि कंपोनेंट है, रिपीटेबल कंपोनेंट, है ना, रिपीटेबल कंपोनेंट और स्लग फील्ड, ये अपने को करना है।